नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत। पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले एक घंटे में हम यूपी की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, गाजियाबाद से गोरखपुर तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है ये सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर कोई भी बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या फिर खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। सत्याग्रह में सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर के सभी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिए हैं और इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। इसके साथ ही पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं दूसरी सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद ये फैसला लिया गया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के इस एक्शन पर सभी की नजर है। माना यह जा रहा है कि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश संगठन में पूरी तरीके से बदलाव कर दें। बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों में ही सपा के गढ़ के रूप में इसे देखा जाता था। दोनों ही क्षेत्रों को, दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की इकाइयों को भंग करने की कवायद को पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। और चलिए, आखिर इस फैसले का असर किस तरीके से दिखाई देगा, इसका सीधा रुख कर लेते हैं जानने के लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला का। अनुभव, बताएं कि ये फैसला कितना मजबूत देखा जा रहा है, किस तरह से ये सपा के हक में जाता दिख रहा है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ये साइड इफेक्ट है। आजमगढ़ और रामपुर में जब उपचुनाव हुए उसके जो नतीजा है उसके साइड इफेक्ट है। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आए तभी ये कहा जा रहा था कि अब सब समितियां भंग होंगी, सारे जो प्रकोष्ठ हैं उनको भंग करेंगे अखिलेश यादव, पर ऐसा तब किया नहीं था। पर हाँ, जब ये चुनाव परिणाम सामने आए दोनों उपचुनाव के, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। और आप सोचिए, अगर हम समाजवादी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएं तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें 51 सदस्य होते हैं वो पूरी भंग हो गई। अब राज्य कार्यकारिणी पर आ जाइए, वहाँ 101 सदस्य होते हैं वो पूरी भंग हो गई। फिर सात तरीके के सात स्टेप है, कैसे जिला स्तर का संगठन है, फिर उसके बाद महानगर का है, नगर का है, फिर जो विधानसभा का है, फिर बूथ स्तरीय है, ये सारी कमेटियां जो थी उन सबको भंग कर दिया है। 17 समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। राज्य की अगर बात कर लें तो एक अध्यक्ष है, दो उपाध्यक्ष है, इसी तरीके से कोषाध्यक्ष है, तमाम सारे लोग हैं। सिर्फ अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बचे हैं नरेश उत्तम पटेल, और बाकी सारी चीज़ों को भंग कर दिया है, सारे प्रकोष्ठों को भंग कर दिया, सारी राज्य की इकाई और राष्ट्रीय इकाई को भंग कर दिया। एक बड़ा मैसेज अखिलेश यादव ने दिया है कि जो लोग ठीक ढंग से काम करेंगे, अब चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राज्य की कार्यकारिणी हो, प्रकोष्ठ हो, उन सब में उन्हें ही जगह मिलेगी। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता होती है वो 5 साल की होती है, यानी अगर कोई सदस्य बना तो वो 5 साल के लिए एक बार में सदस्य बनता है, और 1 जुलाई से नई सदस्यता शुरू होती है और 30 जून को, 5 साल बाद 30 जून को ख़त्म होती है। तो ये भी एक उनके स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक कहें तो ये एक शर्तें हैं या नियम उनका इस तरीके का है। तो वो कहीं ना कहीं जुलाई में जब जब 5 साल होते हैं तो इसी तरीके से सारी चीज़ें भंग हो जाती हैं। पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो उपचुनाव हुए हैं उसका जो ये परिणाम है, ये साइड इफेक्ट उसी का है। अब किस तरीके से नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपेंगे अखिलेश यादव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? 2024 के लोकसभा चुनाव होने, 2 साल से कम का वक्त हम कहें तो बचा हुआ है। किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी देंगे, क्या वहाँ पर हमें जाति समीकरण देखने को मिलेंगे, क्या जब उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित होगी तो उसमें जाति समीकरण देखने को मिलेंगे, क्या क्षेत्रीय समीकरण भी देखने को मिलेंगे, जिन जगहों पर, जिन जिलों में विधानसभा की ज़्यादा सीटें जीते क्या वहाँ के लोगों को ज़्यादा जगह मिलेगी,
या फिर उन जिलों में जहां वो सीटें नहीं जीत पाए वहां के लोगों को जगह देंगे। ये सारा कुछ, ये अगर हम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से स्ट्रक्चर जो खड़ा करना है वो अखिलेश यादव को खड़ा करना है, और जब वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा तब कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति क्या रहने वाली है। हाल ही में हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले जब राज्य की कुछ समितियों को घोषित किया, कमेटियां को जो कार्यकारिणी को घोषित किया, उसमें उन्होंने एक नए तरीके की चीज हमें देखने को मिली। वहां पर जो ओबीसी थे वो नॉन यादव ओबीसी को ज्यादा जगह दी थी, लेकिन विधानसभा में परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। अब सारी कमेटियां सारी इकाइयां बंद कर दी हैं। और बिल्कुल सही कहा अनुभव, अब देखना यही होगा कि जो नई कार्यकारिणी बनेगी, जो नए सदस्य आएंगे, वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी का भविष्य तय करेंगे। एक बड़ी भूमिका उनकी रहने वाली है। क्योंकि अनुभव शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे हैदराबाद लिए चलते हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आर्कमरम भीम तक तेलंगाना की इस वीर भूमि के शौर्य और बलिदान की गाथाएं अतुलनीय है। भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकुड़ी की सोमनाथ तक यहां के काव्य का माधुर्य, यहां के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आस्था, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है। इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज महसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है, उनकी सुविधा बढ़ी है, अब वो राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान दे सकती है। साथियों, भाजपा सरकार के इसी सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मिडिल क्लास परिवार को भी मिल रहा है।
तेलंगाना की बहनों बेटियों को मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमारी सरकार ने तेलंगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इस वक्त सुना है। आज दूसरा दिन है जहां इस कार्यकारिणी बैठक का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को। और चलिए आप पढ़ेंगे आगे, जहां सत्याग्रह में अब दूसरी बड़ी खबर ले लेते हैं जो जुड़ी है संयुक्त किसान मोर्चा से। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ योजना के विरोध का फैसला ले चुका है। देखिए, गाजियाबाद में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला हुआ कि अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक देशव्यापी सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन को जय जवान जय किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है, जिसमें किसान और पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत से वीपी गंगा, संवाददाता शक्ति सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते। 6 घंटे चली संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग थी, अब वह समाप्त हो गई। बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, काफी लंबी बैठक चली, बैठक में क्या निर्णय रहे? कई निर्णय रहे कि जो किसान के इशू हैं उसमें करीब 13-14 दिन आंदोलन चलेगा, अपनी बात कहेंगे मीटिंग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो चल जाएगा। 18 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा और फिर 7 अगस्त से और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान का नारे के साथ में अग्निपथ के विरोध में प्रोग्राम होंगे, मीटिंगें होंगी सब जगह। ये रहा, फिर लखीमपुर खीरी में जाएंगे, 75 घंटे वहाँ पर रहेंगे। 18, 19 और 20 अगस्त ये भी 3 प्रोग्राम। 75 घंटे आप लोग वहाँ पर रहेंगे और देश के जो किसान हैं वो वहाँ पर रहेंगे, और ये बताइए कि वहाँ पर जो जिला मुख्यालय है उसको घेरने की बात भी है, काफ़ी बड़ी तादाद में किसान पहुँचेंगे, मुख्य मांग क्या रहेगी उस धरने की? मुख्य मांग तो लखीमपुर खीरी में तो लोकल के इशू आ जाएंगे, जब जिसके घर पे जाएंगे दो बात भाई उसकी भी कहनी पड़ेगी, गन्ने का इशू है, इसका इशू है, पानी का है, जल भराव का रहेगा, दो बात उनकी भी करेंगे, बिजली का इशू भी रहेगा और अजय टैनी का मेन इशू रहेगा। अजय टैनी रहेगा क्या रहेगा यही जानना। हटे भाई हटे, अजय टैनी हटे, कहाँ से हटे? वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बता रहे की कहे हटना चाहो, हटाने की मांग की रहेगी, उसके खिलाफ मुकदमा है, उसमें जेल जाए। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। उन्होंने सुबह से लगातार नजर बनाए रखी, और शक्ति जरा बताएं कि जय जवान जय किसान का जो नारा देकर के सम्मेलन को आगे बढ़ाया जा रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किसानों के हक को लेकर, सैनिकों को लेकर किस तरीके से आवाज बुलंद की जाएगी, क्या कुछ बताया जा रहा है शक्ति? देखिए, 6 घंटे ये मीटिंग चली और 6 घंटे मीटिंग के बाद जो मंथन होने के बाद जो बातें निकल कर आई वो सबसे पहले आई 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई से जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा उसी समय से 18 जुलाई से 31 जुलाई तक किसान हर जिले में लगातार रोजाना प्रदर्शन करेंगे और एक सम्मेलन के रूप में करेंगे, और उसके बाद 31 जुलाई को चक्का जाम किया जाएगा, देशव्यापी ये चक्का जाम होगा। हालाँकि इसमें जो रेल हैं उसको बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सड़कें हैं उन्हें बाधित किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, और ये 4 से 5 घंटे के लिए हालांकि टाइम बताया गया है जो राकेश टिकैत की तरफ से जो बताया गया है। तो वहीं इसके बाद 7 तारीख को, यानी कि 7 तारीख को जय जवान जय किसान जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना है उसके विरोध में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार इसी तरह का प्रोग्राम रहेगा, सम्मेलन रहेगा, और जिसमें कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, जो युवा हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, और जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं
उन्हें शामिल किया जाएगा और 7 से 14 अगस्त तक यह प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद जो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू जो एक बार जो बना था और उसे छोड़ना नहीं चाहते किसान, वो है देश के गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का मामला। अजय टैनी के मामले में साफ कर दिया है कि जितने भी देश भर के जो संगठन हैं, जो जुड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे में, वो सभी संगठन इकट्ठा होंगे लखीमपुर खीरी में, और वहाँ पहुँचने के बाद 75 घंटे यानी कि 3 दिन लगातार दिन और रात ये 75 घंटे का एक धरना होगा, एक आंदोलन होगा जो लगातार चलेगा। और देश के गृह राज्य मंत्री अजय टैनी की को बर्खास्त की एक मांग की जाएगी। तो लगा जिस तरीके से 13 महीने जो आंदोलन चला था 3 नए कृषि बिल कानून का, उसको ख़त्म करने के जैसे ही वो समाप्त हुआ, उसके बाद जो किसानों के मुद्दे थे, अब एक बार फिर कई महीने बाद एक बार फिर वो गरमाने लगे हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसमें कई वो संगठन थे जो नहीं पहुंचे, जो कि चुनाव में गए और जो चुनाव लड़े। हालांकि ये कहना था कि उनको अभी बाहर रखा गया है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद वो अपनी पार्टी समाप्त करते हैं तो उनका वापसी आएँ और स्वागत है और हमारे साथ मिलें और किसानों की लड़ाई लड़ें। तो एक तरीके से योगेंद्र यादव हों या मेघा पाटकर हों या राकेश टिकैत हों, या तमाम ऐसे लोग हैं जो पंजाब के हैं, जो पंजाब और हरियाणा के हैं, वो इसमें शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन सभी लोगों ने एक आवाज बुलंद करने की कोशिश है, एक बार फिर से एकता दिखाने की कोशिश है। दावा ये किया जा रहा है शक्ति, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और साथ ही जो पूर्व सैनिक हैं उनके आने का भी दावा किया जा रहा है। 7 तारीख से जब ये सम्मेलन आगे बढ़ेगा तो कौन कौन पहुंचता है, कितनी भीड़ जुटती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से फिर नए सिरे से सुनवाई शुरू होने वाली है। वही जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। वहीं 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कस ली है। अब दोनों ही पक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं, दलीलें किस तरीके से रखी जाएंगी, क्या तर्क दिए जाएंगे, इसको लेकर लगातार तैयारी हो रही है। एएसआई सर्वे को लेकर बहस की तैयारी है, दलीलों के साथ दोनों ही पक्ष पहुंचेंगे और कल से मामले की अगली सुनवाई शुरू होने वाली है। एक लंबे अंतराल के बाद अब ये सुनवाई फिर से शुरू होगी। हम लोगों की रणनीति अगली है कि इसके बाद हम लोग जो है उस तहखाने में जो बंद तहखाना है उस तहखाने को खुलवा कर अंदर की पूर्ण सर्वे, जो हम लोग माँ सिंगार गौरी के साक्ष्य के लिए जो कमीशन हम लोग मांगा था वो साक्ष्य तो हम लोग को मिला ही नहीं, अभी वो उस तहखाने में बंद है। उस साक्ष्य को जानने के लिए, निकलवाने के लिए पहले उस तहखाने को खुलवाया जाए। हम लोगों का प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ है और हम लोग भविष्य में एसआई की भी मांग कर सकते हैं। ये तो हम लोग बैठेंगे, हमारे तमाम सीनियर काउंसिल हैं, हम लोग के संगठन के भी तमाम लोग हैं, हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय होगा कि अगली रणनीति क्या है। पुरातत्व की कार्रवाई के बिना हमें पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है और ये प्रमाणिक ढंग से, शासकीय ढंग से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है किसी पुरातत्व के प्राचीन स्थान का, स्मारक का, उसका विवेचना की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, वो इसी से स्पष्ट होगा। और इसके तो हमारे कार्यक्रम में, हमारे एजेंडे में है कि पुरातत्व परीक्षण करवाएंगे इस परिसर का। तो कल 4 जुलाई का मौका है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, कल से सुनवाई शुरू होने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं वाराणसी से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतीश, कल की तारीख बहुत अहम हो जाती है, न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है, कल से फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है, क्या तैयारी है दोनों ही पक्षों की तरफ से, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है और क्या जानकारी है कल की होने वाली सुनवाई को लेकर? नीतीश, आज दिन भर रणनीति का दौर था, आज दिन भर दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने मंथन किया है, कल मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो सुनवाई 30 मई को कहा गया था कि ब्रेक हुआ था 1 महीने का, तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी, लगभग 35 बिंदुओं पर दलीलें रखी थी, 55 से ज़्यादा बिंदु हैं और उन पर अपनी दलीलें रखना है, तो बाकी के जो बचे हुए बिंदु हैं उन पर दलीलें रखेगा मुस्लिम पक्ष। और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने ज़बरदस्त तैयारियां की हैं, जो अन्य अधिवक्ता हैं और इसके साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उससे जुड़कर पूरी तरह से मसौदा तैयार किया है, एक एक तथ्य को खंगाला गया। इसके साथ अगर हिंदू पक्ष की बात कर लें तो हिंदू पक्ष के जो
दो वादी गढ़ जो थे वो दो भागों में कहीं ना कहीं बटे नजर आ रहे हैं और दोनों ओर से जबरदस्त तैयारियां हैं। अगर जितेंद्र सिंह बिसेन की बात कर ले तो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला भी गुट पूरी तरह से तैयार है और उसके एक अधिवक्ता शिवम गौड़ कल सुबह पहुंचेंगे। अगर दूसरी बात कर लें जो चार वादी जो हैं महिलावादी उनकी ओर की अगर बात कर लें तो उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन विष्णु जैन वो थोड़ी देर में बनारस पहुंच जाएंगे। और आज ये सभी एक तरह से दिन भर जिस तरह से बैठकों का दौर चला है उन बैठकों में कल मंथन है और पूरी कोशिश ये है कि पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा जाए और उनका पक्ष जो है वो कोर्ट रूम के भीतर बहुत मजबूत दिखाई दे, ऐसी कोशिश की जा रही है। दिन भर मंथन का दौर चला, बैठकों का दौर चला, ऐसा आपने कहा, शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो दीपा कई अहम चीजें हैं जो कल पेश होंगी कोर्ट के सामने। कानपुर हिंसा की फंडिंग करने का आरोपी बाबा बिरयानी जेल की सलाखों के पीछे है। इधर उसके एक से बढ़कर एक बाबा बिरयानी से जुड़े हुए खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में बिरयानी के नमूने जहरीले पाए गए हैं जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है। जिस तरह से वहाँ सामने पकड़ा हो रहा है कि आंसू गैस का गोला फेंका गया है, धुआं होने के बाद लोग भागे हैं, लोग भागे जरूर हैं, पुलिस पर चलकर हमला हो रहा है। बाबा की जहरीली बिरयानी, बाबा वाली बिरयानी का सच, जहर की मिलावट का काला खेल। कानपुर में 3 जून को हिंसा मामले में आरोपी मुख्तार बाबा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जाजमऊ में बाबा बिरयानी का आउटलेट सील कर दिया गया। दरअसल जांच में बिरयानी का नमूना फेल हो गया था। इससे पहले बाबा बिरयानी के 3 आउटलेट सील किए जा चुके हैं। पहले आई 8 सैंपलों की रिपोर्ट में सामने आया कि इन रेस्टोरेंट में परोसी जाने वाली बिरयानी के चावल में कलर के लिए हानिकारक केमिकल मिलाया जा रहा था, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी बैन कर रखा है। जनपद कानपुर नगर में विगत दिनों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कतिपय रेस्टोरेंट्स और दुकानों के फूड सैंपल्स एकत्रित किए गए थे और उसको परीक्षण के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। वहाँ से जो प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 दुकानों के सैंपल्स अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसी के क्रम में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन 6 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया, जिसका क्रियान्वयन आज मजिस्ट्रेट्स और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसी के क्रम में कतिपय अन्य दुकानों में भी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में बाबा बिरयानी के नवीन मार्केट, स्वरूप नगर, जाजमऊ, बेकनगंज, रेव मोती, मछरिया समेत कुल 8 आउटलेट पर छापे की कार्रवाई की गई। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक के बाद एक आउटलेट्स में छापे पड़ रहे हैं और वहां पर ये तमाम चीजें उजागर हो रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रतीश त्रिवेदी का। कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रतीश, इस बाबा पर जहां समाज के सेहत खराब करने के आरोप तो थे ही, लेकिन लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था, ये भी उजागर हो रहा है। विस्तार से बताएं कि क्या हो रहा था यहां। देखिए, बीती 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और हिंसा होने के बाद मुख्तार बाबा उर्फ मुख्तार बाबा का नाम आया था। मुख्तार बाबा बाबा बिरयानी, मशहूर बाबा बिरयानी ब्रांड का मालिक है और इससे पहले पंचर की दुकान चलाता था। पंचर की दुकान से विवादित प्रॉपर्टीज खरीदी और उसके बाद करोड़ों का मालिक बन बैठा। बाबा बिरयानी का धंधा करने वाला मुख्तार बाबा की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने 8 जून को सैंपल्स कलेक्ट किए थे और 8 आउटलेट कानपुर शहर में हैं, लखनऊ में हैं, वाराणसी में हैं, प्रयागराज में हैं, तमाम जगहों पर आउटलेट्स हैं बाबा बिरयानी के नाम से। बिरयानी के शौकीन लोग यहां पर पहुंचते हैं, शहर नहीं देश भर से लोग यहां पर आते हैं और इसका स्वाद चखते हैं। लेकिन बाबा बिरयानी के जब सैंपल्स जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग ने लिए, उसके बाद इनको सैंपल्स को जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया और वहाँ पर मानकों के अनुरूप इनको नहीं पाया गया तो धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई और अब तक 8 जगहों पर जो 8 आउटलेट्स हैं वहाँ पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ जगहों पर
सैंपल लेकर के उन्हें जांच के लिए भेजा जा चुका है। कुछ जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि बाबा फूड्स के नाम पर स्वरूप नगर में जो रेस्टोरेंट था उसको सील किया गया, नवीन मार्केट में सील किया गया था, मछरिया में सील किया गया और जाजमऊ में, आज जाजमऊ में कार्रवाई की गई है बाबा बिरयानी के आउटलेट्स पर और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। दरअसल मुख्तार बाबा पर आरोप है कि जो कानपुर में हिंसा हुई उसमें फंडिंग किया और फंडिंग के साथ साथ अपने जो छिपे हुए मंसूबे थे, नापाक मंसूबे कह सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए इस मामले में इन्वॉल्वमेंट अभी तक पुलिस के जो सूत्र हैं वो बताया जा रहा है कि मुख्तार बाबा का निकल के सामने आया। मुख्तार बाबा की जो बाबा बिरयानी की शुरुआत हुई वो बेकनगंज इलाके से हुई थी और जो पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान, सबसे पहली दुकान जिसे कहा जाए, वो विवादित है। विवादित इस तौर पर क्योंकि वहाँ पर राम जानकी मंदिर ट्रस्ट हुआ करता था और वहाँ पर तमाम दुकानें हुआ करती थी। यहीं पर मुख्तार बाबा के पिता पंचर की दुकान, साइकिल की दुकान चलाते थे और उसके बाद वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ और विवादित प्रॉपर्टियों को खरीदते हुए ब्रेड बटर का दुकान को बढ़ाते हुए और यहाँ तक पहुँच गया। इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, हाजी वसी बिल्डर, ठीक है, और एक एक कर इन सभी पर शिकंजा कसने की पुलिस यहां कोशिश करती हुई नजर भी आ रही है। रतीज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, कानपुर में बीते 3 जून को हुई हिंसा मामले में मुख्य फाइनेंसर मुख्तार बाबा पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इस बीच मुख्तार बाबा के दबंगई का खुलासा भी हुआ। कानपुर के स्वरूप नगर के बाबा बिरयानी आउटलेट के मकान मालकिन ने मुख्तार बाबा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा बिरयानी की साजिश वाली फंडिंग, फंडिंग के सोर्स पर जांच का एक्शन, बाबा की जहरीली बिरयानी, मुख्तार बाबा के खिलाफ उस मकान के मालिक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें उसका रेस्टोरेंट चलता है। बुजुर्ग जीनत का कहना है कि मुख्तार बाबा ने रेस्टोरेंट खोलने से पहले तो बड़े प्यार से किराए पर दुकान ली थी और बाद में उन्हें और उनके बेटे को मरवाने की धमकी देकर पूरी मार्केट अपने नाम लिखने का दबाव बनाता रहा। 3 जून को हुई कानपुर हिंसा के मामले में मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था और फाइनेंसर के रूप में पुलिस ने उसकी भूमिका संदिग्ध मानने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार बाबा बाबा बिरयानी का मालिक है और तमाम फूड चेन्स के रूप में उसकी दुकानें कानपुर शहर ही नहीं, प्रयागराज में, लखनऊ में और वाराणसी जैसे शहरों में है। इसे सील कर दिया गया है। स्वरूप नगर में हम मौजूद हैं। स्वरूप नगर के बाबा फूड्स के फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में संचालित किया जाता है। इसे मानक के विपरीत नमूने होने के चलते खाद्य पदार्थों के सील किया गया था और उसके बाद से एक नया खुलासा ये हुआ है कि जीनत नाम की महिला की ये बिल्डिंग है जिसकी 7 दुकानों पर मुख्तार बाबा ने पिछले कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। जीनत का ये आरोप है। पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप जीनत ने लगाया है और ये कहा है कि पिछले कई दिनों से ना सिर्फ उस पर दबाव बनाया जा रहा था बल्कि मुख्तार बाबा की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरी प्रॉपर्टी को वो उसके नाम कर दे अन्यथा उसके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि मुख्तार बाबा और पुलिस की मिलीभगत के कई मामले इसी बीच सामने आ चुके हैं। बीती 3 जून को नई सड़क पर हुए बवाल के मामले में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने वाला बेकनगंज का बाबा बिरयानी के मालिक हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा अब सलाखों के पीछे है। जीनत के मुताबिक मुख्तार की धमकी के बाद उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस हमेशा मुख्तार बाबा की हमदर्द बनती रही। जी हाँ, मेरी मार्केट है, ये किराएदार मेरे थे, ये गुंडागर्दी करते थे और जितने ये किराएदार हैं सब ये DCC वाले, इनको सबको मिला लिया था और ये भी सब हमारे साथ गुंडागर्दी करते थे। हम धरने पे बैठे थे तो मेरा ये देखिए छतरी फाड़ दी। शुएब खान है जो, वो भी गुंडागर्दी करके कब्जा करके बैठा सामने, देखिए। और ये जो धन, ये पूरा 1 साल हो गया इनसे और 7 साल हो गए हमको ये झेलते हुए। ये किराया देते थे मगर वो ऐसे ही देते थे कि रोक रख के देते थे और धमकी देते थे, मतलब तुम्हारे बेटे को मार देंगे। जब मेरे पति बिस्तर पे थे हमको ये जगह लिख दो, ये भी बोलते थे, अंदर वाले भी बोलते थे। सन 1982 में मुख्तार बाबा की सिर्फ बेकनगंज में बाबा लस्सी बिकती थी, फिर उसने वहीं पर बाबा बिरयानी और बाबा स्वीट्स की बड़ी दुकान खोल ली। आरोप है कि पहले बाबा बिरयानी की आउटलेट उसने राम जानकी मंदिर की दुकानों में खोली, इसके बाद मुख्तार ने शहर के हर बड़े इलाके में बाबा बिरयानी के आउटलेट खोल डाले। यहां तक लखनऊ और प्रयागराज में भी उसकी बाबा बिरयानी के आउटलेट्स हैं।
मुख्तार बाबा के गिरफ्तार होने के बाद जीनत सामने आई है और जीनत ने कहा है कि पुलिस इस मामले में भी कार्रवाई करे और उन्हें न्याय दे। तो न्याय पाने के लिए बाहर निकल के जीनत नाम की महिला आई है और इस महिला का कहना है कि 10 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जो किराया तय हुआ था उस किराए को नहीं दिया जा रहा है, उसकी अदायगी नहीं की जा रही है, उल्टा इस प्रॉपर्टी को मुख्तार बाबा के नाम लिखने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा उसके बेटे को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, समझाने की आपको कोशिश है कि किस तरीके से वहां पर लोगों के साथ में धोखेबाजी हुई और अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश हमने की। अब सीधे आपको ग्राउंड पर एक बार फिर से लिए चलते हैं। कानपुर से हमारे साथी रतीश लगातार बने हुए हैं, वो आपको हर एक जानकारी बारीकी से बता भी रहे हैं, तफसील से समझा भी रहे हैं। रतीश, जरा बताएं, ये जीनत नाम की महिला जो खुलासे कर रही है, जो बातें बता रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कहते हैं और पूरी कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस किस पर एक्शन हो चुका है और आगे किस किस पर शिकंजा कसा जा सकता है। रतीश, देखिए, हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा का रसूख और ये कहें कि दबाव और डर या खौफ इतना ज्यादा था कि ये महिला सामने नहीं आ पा रही थी। इसका ये कहना है कि 7 साल पहले से लगातार इस पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस प्रॉपर्टी को लगातार बेच दिया जाए। स्वरूप नगर बेहद ही कानपुर का सबसे पॉश इलाका स्वरूप नगर और नगर का माना जाता है, जहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान छूते हैं और वहां पर ही ये प्रॉपर्टी है जहां पर 7 दुकानें हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा ने ले रखी है। बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से, चूँकि मार्केट का एरिया है और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं, तो वहाँ पर स्वरूप नगर में एक अपने आउटलेट को खोला गया था बाबा रेस्टोरेंट के नाम से, बाबा फूड्स रेस्टोरेंट के नाम से, और पिछले करीब दस सालों से ये वहाँ पर आउटलेट दिया गया था। 7 दुकानों पर कब्जे का आरोप जीनत ने लगाया है, जो इसकी मालकिन है, मकान मालकिन है, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो कैंसर पेशेंट है, उनकी बेटी को, उनके बेटे को मारने की बात कही गई, इसीलिए वो चुप थी। लेकिन जब जिला प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई की और सीलिंग की प्रक्रिया की, यानी सील कर दिया बाबा फूड रेस्टोरेंट को, स्वरूप नगर के जो आउटलेट था, उसके बाद वो सामने निकल करके आई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की मिलीभगत के चलते मुख्तार बाबा का अभी तक कुछ नहीं किया जा सका था, लेकिन अब उन्हें योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से उम्मीद है, जो कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है, ऐसे में उनकी भी अर्ज सुनी जाएगी, उनकी भी आस जग गई है, उम्मीद जग गई है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा। और न्याय उनका ये होगा कि उनकी प्रॉपर्टी पर जो मुख्तार बाबा ने कब्जा कर रखा है उसको छुड़ाया जाए, क्योंकि मुख्तार बाबा से जब भी उनके द्वारा बात करने की कोशिश की गई तो उनका यही, मुख्तार बाबा का जवाब यही आता था कि उनके बेटे की जान खतरे में आ जाएगी अगर इस तरीके की बातें की जाएंगी। तो फिलहाल मुख्तार बाबा गिरफ्तार है और एक नया खुलासा हुआ, नया चेहरा सामने आया है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिलहाल पुलिस से निराशा मिली है जीनत को, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि शासन प्रशासन और पुलिस अब उनकी बात को सुनेगा, उनके दावे को परखेगा, जांचेगा, परखेगा और उसके बाद इंसाफ देगा, यानी न्याय करेगा। जी बिल्कुल ठीक है रतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखें। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। ये बड़ी जानकारी, 5 जुलाई को प्रदेश में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। लखनऊ में राज्यपाल और चित्रकूट में सीएम योगी पौधारोपण करेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में पौधे लगाएंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। चित्रकूट में सीएम योगी पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे, अयोध्या में केशव प्रसाद मौर्य होंगे डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक होंगे प्रयागराज में। प्रदेश में 5 तारीख को वन महोत्सव की शुरुआत होगी और इस बार का जो लक्ष्य है वो है 35 करोड़ पौधों का। हमारे साथ में इस समय वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। सर, 35 करोड़ पौधों का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है और इस बार सुनने बड़ा अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वन, शक्ति वन, बाल वन, अमृत वन, जानना चाहेंगे क्या है वन महोत्सव में इस बार? वन महोत्सव आपकी बार 5 तारीख को हो रहा है, हम उसमें हर नगर निगम में, हम हर जगह, हर शहर में, हर सड़क पर, हर जगह पौधारोपण करेंगे और उस दिन हम ये चाहेंगे पेड़ वहीं लगे जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, पेड़ संरक्षित रह सके, पेड़ को पानी मिल सके। और मैं ये चाहूँगा ये पेड़ नगर निगम का पार्क हो, नगर पालिका का पार्क हो, ग्राम सभा हो, वहाँ लगें, तालाब के किनारे लगें या ऐसी जगह लगें जहाँ बाउंड्री हो, स्कूल कॉलेजेस के अंदर लगें, डिग्री कॉलेजेस के अंदर लगें, यूनिवर्सिटीज़ में लगें,
टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में लगें, इंडस्ट्रीज के अंदर लगें, जहाँ पर बाउंड्री है, पेड़ सुरक्षित रह सकता है, वहाँ पेड़ लगना चाहिए। उसके साथ ही साथ सड़क पर या बाउंड्री के बाहर जो पेड़ लगे वो ट्री गार्ड के साथ लगे, तभी पेड़ सुरक्षित रहेगा। हमारा 5, 6, 7 को तो है ही कार्यक्रम, इसके साथ ही साथ 15 अगस्त को अमृत महोत्सव पर भी कार्यक्रम है। उस दिन हम ये चाहेंगे, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है, हर नगर हर ग्राम सभा में कम से कम 75 पेड़ ज़रूर लगें। 75 पेड़ जहाँ भी ग्राम सभा उचित समझे वहाँ लगें, वहाँ के पूजा स्थल में लगे, और पेड़ ऐसे लगें जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, बरगद, पाकड़, पीपल, नीम, आंवला, इमली, और इस तरह के जितने पेड़ जो फलदार भी पेड़ हों और सायेदार भी पेड़ हों, क्योंकि साया बहुत ज़रूरी है। हर शमशान पे, अंत्येष्टि स्थल पे सायेदार पेड़ ज़रूर लगे हों। अक्सर वहाँ देखा जाता है पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को रुकना पड़ता है 1 घंटे तक, तो वहाँ पे अगर पेड़ लगेंगे तो हमारी जनता को फायदा होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।